हिंदुस्तान जब बन रहा था पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब थे और बड़े हंगामे थे, रास्ते बड़े ख़राब थे, ट्रेनें कट रही थी, मुसलमान मारे जा रहे थे। पहली नौकरी हमदर्द में की और हमदर्द में ही ख़त्म हो गई। उनकी शहादत जो ये समझिए पाकिस्तान में कोहराम मच गया। डिस्कवर कराची के साथ मैं हूं वाजिद रदसवानी। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे इदारे हैं जो अपने मुलाजमीन का बहुत ख्याल करते हैं, और उन इदारों में भी बहुत कम मुलाजमीन ऐसे होते हैं जो अपने इदारे के साथ वफा करते हैं और तवील खिदमात अंजाम देते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से करा रहे हैं जिन्होंने एक इदारे में तकरीबन 72 साल काम किया और लगातार 52 साल उन्होंने उसी इदारे में काम किया, और जो शख्स हैं इस इदारे में काम करते हैं और उनका नाम है मुस्तजाब अली ख़ान। कराची से उनका ताल्लुक़ है और वो उन्होंने हमदर्द में तकरीबन लगातार 52 साल काम किया, और जब वो इंडिया में थे वहाँ भी उन्होंने 20 साल काम किया। 92 साल उनकी एज है। इस साल 31 जुलाई को वो अपनी 93 सालगिरह मनाएंगे। 9 उनके बच्चे हैं और माशाल्लाह उनके नवासे नवासियाँ पोते पड़पोतियों की तादाद भी तकरीबन 41 के करीब है। हम आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे और उनके घर वालों से भी मुलाकात कराएंगे, उनकी यादें शेयर करेंगे, उनकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और उनसे बात करेंगे किस तरह से उन्होंने इतना अरसा एक इदारे में काम किया, किन मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा, उनकी सेहत का राज क्या है। तो आइए आपकी मुस्तजाब अली ख़ान साहब से मुलाकात कराते हैं। हिंदुस्तान जब बन रहा था पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब थे और बड़े हंगामे थे, बहुत कत्ल व गारत गरी थी और बड़ा खून खराबा था। आप दिल्ली में कहाँ रहते थे? दिल्ली में हम रहते थे लाल कुएं पर, हमदर्द दवाखाना जहाँ था मेन हमदर्द दवाखाना, वहाँ रहते थे। तो क्या वहाँ पे जब तकसीम हुई, पाकिस्तान बना, तो क्या मुसलमानों को मारा पीटा गया, काटा गया? मुसलमान बहुत मारे गए हिंदुस्तान में, बहुत बहुत मारे गए हिंदुस्तान में मुसलमान। आपके वालदैन ने नहीं कहा कि पाकिस्तान चलते हैं उस वक्त इंडिया छोड़ के? इंडिया हम छोड़ने वाले थे लेकिन छोड़ नहीं सके, हालात ऐसे ख़राब थे, रास्ते बड़े ख़राब थे, ट्रेनें कट रही थी, मुसलमान मारे जा रहे थे। तो हम इरादे के बावजूद नहीं निकल सके वहाँ से, फिर हम दिल्ली में सेटल हो गए। फिर पाकिस्तान आने का फैसला कैसे हुआ? पाकिस्तान आने का फैसला ये हुआ कि मैं पहले दिल्ली में काम कर रहा था तो हालात ख़राब हो रहे थे, माशी हालात अच्छे नहीं थे, तो नतीजा ये कि मैं कराची चला गया। फिर आपने पहली नौकरी कितनी उम्र में की और कहाँ की? पहली नौकरी हमदर्द में की और हमदर्द में ही ख़त्म हो गई। जब आपने हमदर्द दिल्ली में नौकरी की तो क्या उम्र थी आपकी? मेरी उम्र उस वक्त 17 साल की उम्र हो गई। कोई इंटरव्यू दिया था जाके? किसने मुलाजमत पे रखवाया आपको? हमारे वालिद साहब के दोस्त थे वहाँ के जनरल मेजर, तो उन्होंने हमें मुलाजमी कराया। तो आपने तालीम कहाँ तक हासिल की थी? मैंने इंटर तक तालीम वहाँ पे हासिल की थी, फिर मैंने अदी वालिम किया था पंजाब इंटर आपने कहाँ से किया था, किस कॉलेज से किया था? यूनिवर्सिटी से। तो आपकी पहली मुलाजमत क्या थी, आपने क्या किस शोबे में काम किया? नहीं, ज़्यादातर काम मेरा तहरीरी काम था, तहरीर क्या करते थे तहरीर? में हमदर्द में स्टॉक का काम करता था, किस तरह स्टॉक है क्या है, किस तरह स्टोर आया, किस तरह स्टोर। जब 1969-70 में आपने दिल्ली छोड़ा और इंडिया छोड़ा और पाकिस्तान आए, तो उस वक्त आपकी आखिरी नौकरी क्या थी? उस वक्त दिल्ली में क्या हमदर्द में क्या काम कर रहे थे? जब भी मैं रूह अफजा ही काम करता क्या उस वक्त क्या रूह अफजा में क्या करते थे? था, रूह अफजा का इंचार्ज था उसमें पूरा होल सोल। आपकी शादी कब हुई? शादी सन 50 में, रिश्तेदारों में शादी हुई थी? रिश्तेदारों में वो दिल्ली में रहते थे? दिल्ली में रहती थी।
फिर पाकिस्तान आने का फैसला क्यों किया? फैसला अचानक ही हुआ, मैंने ही फैसला किया ही। तो जब मैं वहाँ पाकिस्तान आ गया तो फिर पीछे वालिद साहब भी आ गए, वालिद साहब मेरी और बहन भाई थे वो भी सब आ गए। आपके वालिद क्या करते थे? मैंने बताया ना, वकील थे। आपके कितने बहन भाई हैं? 11 बहन भाई थे। तो सब पाकिस्तान आ गए? सब पाकिस्तान आ गए। ठीक है, तो पाकिस्तान आए तो फिर आपने कहाँ रहाइश अख्तियार की? पाकिस्तान में आए जब सबसे पहले तो बम्बई बाजार कारादर की तरफ आ रहे, उसके बाद फिर लालू खेत आ गए। लालू खेत में रहे, फिर लालू खेत नाजमाबाद में रहे। यहाँ आके हमदर्द पे नौकरी मिली आपको? कैसे जानते थे सब आपको? हमदर्द में मैं नौकरी से रही के हमदर्द के जो चीफ मुतवल्ली थे दिल्ली के, वो आए हुए थे यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली से आए। हकीम बड़े हकीम साहब जो थे, हकीम अब्दुल हमीद साहब, उनके साहबजादे थे वो, तो वो आए हुए थे यहाँ पे। तो मैं उनसे मिला, मैंने उनसे बताया कि मैं यहाँ पर, कि उन्होंने पूछा कि भाई तुम दिल्ली क्यों नहीं आए। तो फिर उन्होंने कहा भाई तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने बताया कि मेरा इरादा यही रहने का है, तो आप मुझे यहीं पर हकीम साहब को बता दें कि मैं नहीं रहना चाहता, मुझे नौकरी दे दें यहाँ पर। तो इस तरह नौकरी मुझे दे दें। यहाँ पे आपको किस नौकरी पे रखा, किस ओहदे पे रखा? मुझे यहाँ पर रखा, मैनेजर रू अफजा, मैं रू अफजा से हूँ शुरू से। किस साल आपने हमदर्द में नौकरी की कराची में? 70 में। ठीक, और कब तक की आपने? ये अभी की, अभी 52 साल लगा ले। 52 साल। कभी हकीम सईद वगैरह से मुलाकात हुई? क्या कहते थे वो या उनके भाई अब्दुल हमीद? हकीम सईद साहब से मुलाकात होती है। कारकुनों का कैसे ख्याल करते थे हकीम साहब? कारकुनों का माशाल्लाह बहुत ख्याल रखते हकीम साहब, हमेशा सबसे उनके बड़े अच्छे ताल्लुक थे, बड़े प्यार मोहब्बत से मिलते थे सबसे, सबको जानते थे, पर्सनली जानते थे। जब उनकी शहादत हुई तो क्या माहौल था दफ्तर का? जब उनकी शहादत हुई तो जाहिर है कि उनकी शहादत जो हुई है, समझिए पाकिस्तान में कोहराम मच गया। क्या याद आता है आपको कि आपने इतने साल काम किया, इतनी खिदमत की, क्या चीज़ें याद आती हैं आपको हमदर्द की? बहुत याद आता है, बहुत ही तरह काम किया मैंने, ऐसे ऐसे काम किया, रातों को 3-3, 4-4 बजे तक काम किया मैंने। पैसे कैसे मिलते थे वहाँ पे? पैसे मंथली तनख्वाह मिलती, पैसे अच्छे मिलते। कभी कोई, जैसे ऑफिस में सियासत होती है तो आपने इतने साल काम किया तो आपके खिलाफ किसी ने कोई सियासत की? सियासत तो चलती ही, मेल जोल भी होता था, कभी कभार इख्तलाफात भी हो जाते थे। कभी झगड़ा हुआ आपका? झगड़ा नहीं हुआ हमारा किसी से, इतने अरसे हमने काम किया वहाँ पर, झगड़ा हमारा किसी से नहीं। कभी दिल चाह के मैं हमदर्द की नौकरी छोड़ दूं, कहीं और काम कर लूं, या कहीं और से आपको ऑफर हुई? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमदर्द में जब से नौकरी गई, हमदर्द में ही रहे। सबसे अच्छा आपको शरबत कौन सा लगता है? शरबत हमारा रूह अफजा अच्छा लगता है, इससे अच्छा तो रूह अफजा ही।
क्या आप वॉक वगैरह करते थे, एक्सरसाइज करते थे? मैं एक्सरसाइज बहुत करता था। खेल कौन सा खेलते थे आप बचपन में? मेरे फुटबॉल खेलिए, 14 साल फुटबॉल खेले। कहाँ से? दिल्ली से खेले। कोई क्लब था? मुगल क्लब थे। किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया? टूर्नामेंट तो बहुत खेले। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आबदा परवीन है और मेरे अब्बू हैं मुस्तफा साहब और इनके समझे 9 बच्चे हैं जिनमें 3 बेटियां और 6 बेटे हैं। उनके सबके बच्चे हैं तकरीबन 41 पोते पोतियाँ, 89 सब मिला के, पड़ पोते पोते पोतियाँ 89 सब मिला के 41 होते हैं तकरीबन। कैसा पाया ऐसे फादर आपने इनको? फादर तो बस बेहतरीन है, मैं बेवार अल्फाज नहीं है क्योंकि मेरे शौहर के बाद इन्हीं ने मुझे, मतलब मेरा साहिबान एक तरह से, इन्होंने मुझे रखा हर तरीके से, मेरे बच्चों को इस काबिल किया कि वो आज अपने पैरों पर खड़े हैं। बच्चियों की भी शादी इन्होंने की सब, तकरीबन टोटल मैं इनकी पढ़ती। बचपन में कैसे आपने इनको पाया? बचपन से तो सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते थे सब, तो थे सबसे भी मोहब्बत थी लेकिन मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, अभी तक करते हैं, मुझे भी इतनी ही है इनसे मोहब्बत। डांट डपट मारपीट कुछ भी नहीं, डांटना तो जानती ही नहीं, कभी भी नहीं डांटा, हमेशा हर चीज़ में को शेयर करना, हर काम में मशवरा करना, हर चीज़। अबू गुस्सा बहुत कभी कभार आता था, हम पे तो कभी नहीं किया, कभी कभार आता था, हर बात को शेयर करना, जो भी कोई अच्छी हुई मतलब कोई ख़राब हालात हैं कुछ है जो भी बातें मैं इनसे ही शेयर करती हूँ, बाप से ज़्यादा मेरे दोस्त हैं, किसी से भी नहीं करती थी, इन्हीं से करती थी, फिर इतना अच्छा मशवरा देते थे मुझे, बेटा इस तरह नहीं ऐसे कर लो, इस तरह नहीं ऐसे कर लो, दफ्तर की बातें शेयर करते थे। हाँ दफ्तर कभी कभी, मतलब वहाँ की कोई मुखालफत या कोई सियासी कोई हो रहा है कुछ तो वो नहीं करते थे, लेकिन हाँ वैसे शेयर करते थे कि भाई इस तरह हम लोग जाते हैं, इस तरह काम होता है, देखो कितना टाइम की पाबंदी से हर काम, टाइम की पाबंदी से जाना सब काम। कभी अपने बच्चों को दफ्तर लेके गए? हाँ सर, इन लोगों को लेके जाते थे नवासन, मुइज तो बहुत इनके साथ रहे, मुइज को उधर लेके जाते थे, पूरा ऑफिस दिखाया, वो ऑब्जर्व सेक्शन सब बहुत इज्जत थी वहाँ पे भी।